चैनल व्यूअर्स नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सूजी का उपमा। देखेंगे किस तरह से बनाएंगे। हेलो, देखेंगे इसकी सामग्री में क्या क्या है। ये सूजी लिए हमने एक बाउल, और प्याज लिए है एक मीडियम, और मटर ली है, गाजर ली है, और हरी मिर्ची ली है, और ये गार्निश के लिए मूंगफली दाना लिया है हमने, और हरा धनिया लिया है, नमक लिया है आधा चम्मच, राई दाना लिया है आधा चम्मच, और खड़ी लाल मिर्ची ली है 2 से 3, और नीम कड़ी पत्ता लिया है, और आधा चम्मच लिए हल्दी पाउडर, और ये जीरा वन है बाद में डालने के लिए, और नींबू का रस है आधा, और हम शुगर लेंगे आधा चम्मच, और तेल बनाने के लिए गैस ऑन कर लेंगे, तेल डाल देंगे इसमें, और हम एक तरफ पानी भी उबलने चढ़ा देंगे गरम करने, कुनकुना पानी कर लेंगे इसको, जब तक पानी हमारा गर्म होगा जब तक हम इसकी तैयार कर लेते हैं। देखिए तेल गरम हो गया, अब हम मूंगफली जो गार्निश के लिए है उनको तड़के डाल देंगे। ब्राउन से सेक लेंगे और निकाल लेंगे। धीमी धीमी आंच में तलें। इसमें राई डालेंगे, लाल मिर्ची जो हमने ली थी वो भी डाल दें, कड़ी पत्ता डालना, प्याज भूनेंगे, प्याज को भून लें, थोड़ा गुलाबी हो जाए, मिर्ची डाल देंगे, थोड़ा प्याज और मिर्ची भुन जाए फिर हम गाजर और मटर डालेंगे। गाजर मटर भी डाल दें, इस तरह से भून लें तीनों चीजों को, फिर हम इसमें हल्दी डालेंगे,
कई सफेद भी बनाते हैं उपमा, हम यहाँ हल्दी डाल के बना रहे हैं और इसमें सूजी डाल देंगे। सूजी को भुनेंगे थोड़ा, इसका कलर हल्का सा ब्राउन आ जाए। आप अलग भी भून के रख सकती हैं सूजी को, हम इसी में भून रहे हैं। देखिए ये भुन गया है सूजी, थोड़ी भुने। अब हम इसमें नमक डाल देंगे और पानी डालेंगे। धीरे से सिम करके डालेंगे और दूर रहेंगे। पानी हमने तीन, एक बाउल में सूजी ली है तो तीन बाउल पानी लें। जल्दी जल्दी चलाएंगे। शक्कर डाल देंगे और नींबू का रस जो हमने आधा लिया हुआ था वो डाल देंगे। आधा धनिया भी डाल देंगे, बाकी गार्निश के लिए रखेंगे। देखिए उपमा तैयार है। आप खिला खाना चाहें तो इसका बना सकती हैं और नहीं तो और पानी मिला सकती हैं। आप गीला खाना चाहें तो पानी और मिला लें। तो देखिए हमारा उपमा तैयार है। अब हम इसमें गार्निश के लिए इसमें थोड़ा सा मसाला डालेंगे मूंगफली दाने में। मूंगफली दाना डाल देंगे थोड़ा। हरा धनिया गार्निश कर देंगे, थोड़ा मसाला ऊपर से जीरा वन डाल देंगे। लीजिए तैयार है उपमा, खाइए खिलाइए और मौज मनाइए।